वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज ऋषभ। और आज हम 220 BS6 मॉडल के साथ। तो एज यू कैन सी दिस गाय, गाड़ी 3 दिन पुराना है। गाड़ी एकदम मतलब न्यू, मतलब कहो 3 दिन पहले शोरूम से निकला है तो गाड़ी एकदम फ्रेश को, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गाड़ी फ्रेश के कारण अब जब तक गाड़ी भगाएंगे नहीं तब तक गाड़ी में पता चलेगा नहीं गाड़ी कैसा है। सो अभी गाड़ी भगा के देखते हैं कि गाड़ी में BS6 में पावर कैसा है। तो साथ में मेरा पीछे एक भाई भी बैठा हुआ है, तो बोलने से ज़्यादा भगा के गाड़ी देखने में भरोसा करते हैं। तो लेट्स गो ऑन फन ब्रो। सो गाइज, एक्चुअली मिरर मेरा ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा हुआ था। सो विंड ब्लास्ट के कारण थोड़ा मैनेज करना यार, बिकॉज नॉइज़ तो है ही काफ़ी ज़्यादा। और अगर वाइज़र को अगर लगा लूँगा तो फिर दिखेगा ही कुछ नहीं। तो जब तक हेलमेट नहीं आ रहा है नया, तब तक वाइज़र खोल के गाड़ी चलाना है और गाड़ी भगाना है। 220 में हैंडलिंग बहुत सही है। एक चीज़ में दिया है कि मतलब अगर ऑप्शन सबसे ज़्यादा मतलब हमें बेस्ट पार्ट लगता है ये कि अगर ड्यूअल चैनल है तो थोड़ा अगर ब्रेक में होता है ना तो मन लायक ब्रेक लगता नहीं, बिकॉज पीछे वाला ब्रेक तो ABS में अगर रहे तो ना के बराबर ही है। बट इसमें है कि सिंगल चैनल है तो ब्रेक मारो और पीछे वाला स्पिन करके गाड़ी कहीं भी गैप कर सकते हो। ये चीज़ बहुत बढ़िया है पल्सर और जो भी MT में दे रहा है, तो ये सब चीज़ बहुत सही किया है। मतलब हम मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी लोग क्या सोचते और क्या नहीं वो मेरे लिए मैटर करता नहीं, बट मेरे लिए एज अ राइडर के लिए ये सब चीज़ बहुत सही है कि पीछे वाला नन ABS बाइक, भाई साहब बुलेरो वाले सॉरी सुमो वाले ही जोश में है। सामने स्ट्रेट से चलना, पुलिस लोग भी बेचारे क्या करें, परेशान हो जाते हैं। इतना ट्रैफिक है कि हाथ दिखाते 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 हम लोगों के लिए ये लाइन बनता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन उन लोगों का काम है कि जनता को ही लेके चलना। बाकी जो भी हो पुलिस में थोड़ा मोड़ा 19-20 जो भी चीज़ हो वो अलग बात है, बट पुलिस बहुत सही चीज़ है। ट्रैफिक को रियल मायने में अगर ये लोग नहीं होंगे खड़े तो जो भी इतना सारा ट्रैफिक लगता है कोई सुनेगा नहीं, कोई बात समझेगा नहीं और बेवजह बेपरवाह लोग रोड पे ही जाम लगा देंगे। ये चीज़ बहुत सही है। सो बंदा रह कहाँ गया FZ वाला मेरा भाई, वेयर इज ही मैन? आ रहा है क्या? लेट्स गो ब्रो। Awesome.
लास्टली बिहार हम लोग कंकड़बाग की तरफ पहुँच चुके हैं और वीडियो को ज़्यादा लेंदी करना नहीं है, तो वीडियो को इतना ही शॉर्ट वीडियो तक रखना है। तो थोड़ा सा दूर आगे तक चलते हैं, देखते हैं नज़ारा क्या है कंकड़बाग का, बिकॉज शाम का वक्त है तो मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ और लंबे लंबे बालों से भरा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। 220 का एक चीज़, मैं मतलब डाई वुड फैन हूँ, मतलब स्टार्टिंग से जब मैं अपना सही में अगर मैं समझता था कि स्पोर्ट बाइक का मीनिंग, मतलब मेरे बचपन के टाइम में स्पोर्ट बाइक का मीनिंग मैं समझता था कि 220 है, बट अब तो इससे बढ़िया बढ़िया जो भी वेरिएंट आ चुके हैं, बट 220 इज़ एवर ग्रीन, हमेशा दिल को छू के रहने वाला बाइक है ये। इसमें यार सबसे इसका बेस्ट चीज़ की हैंडलिंग बहुत सही यार है ओवरऑल, मतलब कि कितना भी इसमें कस्टम कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आफ्टर मार्केट कराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हैंडलिंग इसका अच्छा है, पावर ऑलमोस्ट बहुत सही है। इसमें सिर्फ एक दो चीज़ का ही है, बजाज वाला थोड़ा इम्प्रूव थोड़ा कर दे तो जो इसका टैपिड आता है और टाइमिंग चैन, ये चीज़ थोड़ा अगर सुधार दे बजाज कंपनी वाला ना, तो 220 बहुत सही गाड़ी है। और इसका मार्केट में डिमांड, मतलब जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर टिल अभी तक गाड़ी वैसे ही क्रेज़ है, वैसा ही डिमांड है, तो सो बजाज वालों को थोड़ा सा चेंजमेंट थोड़ा करना चाहिए, जो कुछ कुछ इसका बेसिक चीज़ को थोड़ा चेंज कर दे, इम्प्रूव कर दे, उसके बाद इसका सेलिंग मतलब बाकी अदर बाइक से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार बजाज अपना इंडियन कंपनी है तो इंडियन चीज़ थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है, तो कुछ कुछ चीज़ बस बजाज को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो चलो बजाज के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और एक चीज़ और, हमारा लेफ्ट साइड हमारा ऑलमोस्ट मैदानता बन चुका है, कुछ कुछ इसमें रन होने लगा है, तो ऑलमोस्ट देख सकते हो वो आउटलेट पूरा रेडी है मैदानता का। तो सो चलो गाइज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।